इंडिया टीवी आपकी आवाज। आज असम मेघालय ने अपने 12 सीमा विवादों में से 6 को सुलझा लिया है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का उपस्थिति में असम और मेघालय का मुख्यमंत्री और हमारा स्टेट का अधिकारीगण सब लोग मिलके ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर किया और जो से सीमा विवाद है उनको सुलझा लिया। ये जो एक मेरा हिसाब से एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और आदरणीय गृह मंत्री जी का कंटिन्यूअस एफोर्ट के लिए संभव हुआ है। आप ये जानते हैं 1972 में मेघालय वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम असम, लेकिन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उस समय कांग्रेस कुड हैव रिजॉल्व दैट कि भाई असम का पूर्व पश्चिम दक्षिण कहाँ होगा, लेकिन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल बना उसमें कांग्रेस उस समय का सरकार ने कांग्रेस सरकार ने इसको वेग रख के चला गया और उसको वेग रखने चला गया उसका कारण फ्रॉम 1972 हम लोग आपस में फाइट ही करते रहा। और आप लोग जानते हैं जब आपस में झगड़ा होता है इट इज ऑल्सो टेक वायलेंट टर्न एंड देयर आर मेनी कैजुअलिटीज इन द वेरियस टाइम ऑफ आवर हिस्ट्री। लेकिन आज वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1972 में जो संभव नहीं हुआ, आज इसको 50 साल का बाद इसको सुलझाने का एक प्रयास चला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेरणा दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर दिन एक प्रकार से टेलीफोन करके बातचीत करके हम लोग को एनकरेज किया कि ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। आज असम और मेघालय का 12 डिस्प्यूटेड पॉइंट था, से पॉइंट में डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है और बाकी से डिस्प्यूट भी लगभग हम लोग ने एक रिजॉल्व का रोड मैप बना लिया। असम और अरुणाचल प्रदेश का बीच में भी सीमा का विवाद सुलझाने के लिए बातचीत शुरू हो चुका है। असम मिजोरम और असम नागालैंड का बीच का सीमा का विवाद भी खत्म हो, शुरुआती बातचीत वहां में भी शुरू हुआ है। अगर ये सारे जो विवाद अगर सुलझ जाता है तो हम लोग का बीच में जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा और एक यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट उभर के आएगा, जो मोदी जी का सपना है, अमित शाह जी जो जिसको साकार करना चाहते हैं। ये सीमा विवाद के पीछे कारण क्या मानते हैं? देखिए 1972 में जो ये नया स्टेट बना, जैसे आज आंध्र और तेलंगाना बना, तो आपको तो सीमा का तो अंकन करना पड़ेगा। वो उस समय बिना अंकन करते हुए छोड़ दिया गया था, कांग्रेस ही था, तो इसका कारण हम लोग को ये हालत हुआ। आज जो हमने बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का नया एक हम PhD मॉडल डेवलप कर रहा हूँ, पीस हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, कि हमारा शांति हो, हमारा हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जाए और हमारा पूर्णांग विकास हो, तो इस दिशा में आज का कदम एक बहुत बड़ा कदम था। मैं असम की जनता, मेघालय का जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन के लिए मैं दोनों को तही दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, आप मानते हैं कि जो पिछली सरकार थी असम में वो निग्लेक्ट करती रही थी इस इश्यू को, तभी हल नहीं निकल पाया? देखिए समय में ये बड़ी उपलब्धि है। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि कभी कभी जब एक बॉर्डर डिस्प्यूट होता है दोनों स्टेट बैठ के इसको सुलझाने के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए दोनों स्टेट का सिविल सोसाइटी का प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर होता है, सीमाओं में जो लोग बैठता है उनका अपेक्षा होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री का स्तर में या गृह मंत्री जी का स्तर में दोनों स्टेट को एनकरेज किया जाता है, भाई आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, दो कदम आगे बढ़ो, दो कदम संभाल लो, तो इससे स्थिति सुलझने में सुविधा हो जाता है। तो आज जो असम और मेघालय का सीमा का विवाद है, बहुत ही
डिफिकल्ट था, आज भी लोगों में एक्शन रिएक्शन होता ही रहता है। तो ये से विवाद का जो समाधान का शुरुआत हुआ, इट विल सेंड ए राइट सिग्नल टू ऑल अदर डिस्प्यूटेड साइट्स कि भाई एक से अगर संभव हुआ है बाकी भी संभव होगा। आज उत्तर पूर्व में एक नया आशा का एक जागरण हुआ कि भाई आप लोग एक साथ रह सकता है, सीमा विवाद सुलझ सकता है और एक नॉर्थ ईस्ट का रूप से आप लोग आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किया, प्रधानमंत्री जी को भी मैंने इन्फॉर्म किया। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हम लोग शाम को ये हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ऑब्वियसली बहुत खुश था और प्रधानमंत्री जी को मैं असम भ्रमण के लिए भी न्योता दिया, शायद वो अप्रैल मई महीना में असम में भी आएगा।